गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? गुड मॉर्निंग, सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। ओके, यस सर। सॉइल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। सॉइल का क्लासिफिकेशन चार मेथड से करते हैं। फर्स्ट होता है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना है बुक से पढ़ सकते हो। हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इफ डायमीटर ऑफ पार्टिकल लेस देन इक्वल टू 2 माइक्रोन देन द सॉइल इज कॉल्ड। किसी पार्टिकल का डायमीटर लेस देन और इक्वल टू 2 माइक्रोन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्ले। क्ले। पार्टिकल मीन्स यहाँ पे सॉलिड, साइज मीन्स डायमीटर। लेस देन इक्वल टू 2 माइक्रोन होगा तो ये क्ले हो जाएगा। ग्रेटर देन 2 माइक्रोन एंड लेस देन इक्वल टू 75 माइक्रोन उसको क्या बोलेंगे? सिल्ट। सिल्ट। ग्रेटर देन 75 माइक्रोन एंड लेस देन इक्वल टू 4.75 मिलीमीटर इसको क्या बोलेंगे? सैंड। सैंड। ग्रेटर देन 4.75 मिलीमीटर एंड लेस देन इक्वल टू 80 मिलीमीटर इसको क्या बोलेंगे? ग्रेवल। ग्रेवल। ग्रेटर देन 80 मिलीमीटर एंड लेस देन इक्वल टू 300 मिलीमीटर इसको क्या बोलते हैं? बोल्डर। बोल्डर। एंड ग्रेटर देन 300 मिलीमीटर इसको क्या बोलते हैं? कोबाल। If the diameter of particle less than 75 micron, then the soil is called fine grain soil. Fine grain soil कैसा, उसका nature कैसा होता है fine grain soil का? Cohesive की cohesionless? Cohesive. Cohesive in nature. Greater than 75 micron. If the diameter of particle is greater than 75 micron, then the soil is called coarse grain soil. कोर्स ग्रेन सॉइल का नेचर कैसा होता है? कोहेसिव की कोहेशनलेस। 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 ये हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा है, दूसरा था टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन, वो बुक से पढ़ सकते हो। तीसरा है हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। पेवमेंट का मतलब क्या होता है पता है क्या? पेवमेंट किसको बोलते हैं? पेवमेंट का मतलब होता है रोड। दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। जब हम लोग को रोड कंस्ट्रक्ट करना होता है उस समय हमको सॉइल क्लासिफिकेशन करना होता है तो उस समय हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। देखो, परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल व्हेन यूज्ड फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इज डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडेक्स नंबर नोन एज ग्रुप इंडेक्स। देखो, सॉइल कैसा है, अच्छा है या खराब है, उसको पता करने के लिए हम लोग एक इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स को हम लोग GI से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको हम लोग GI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ग्रुप इंडेक्स GI इज इक्वल टू 0.2A प्लस 0.005 AC
प्लस 0.01 बीडी, ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो यहाँ पे ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू परसेंटेज पासिंग, परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, माइनस 35। एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है माइनस 35। ए जो होता है ए नॉट ग्रेटर देन 40, ए है 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बी बी इक्वल टू होता है परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, माइनस 15। बी जो होता है नॉट ग्रेटर देन 40, बी भी 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सी सी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एल परसेंटेज, डब्ल्यू एल क्या होता है लिक्विड लिमिट सर, लिक्विड लिमिट डब्ल्यू एल माइनस 40। सी जो होता है नॉट ग्रेटर देन 20। डी डी इक्वल टू होता है आईपी इन परसेंटेज, आईपी क्या होता है आईपी क्या होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी माइनस 10। डी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। ये फॉर्मूला लिख लो, इसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करना है इसलिए फॉर्मूला लिख लो, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे लिख लो, सॉल्व करने में इजी रहेगा। लिख लियो क्या? यस सर। ओके व्हाइल कैलकुलेटिंग एबीसीडी इफ एनी वैल्यू कम्स नेगेटिव देन इट विल बी टेकन एज जीरो। एबीसीडी का वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे वो नेगेटिव आता है तो उसका वैल्यू हम लोग को जीरो कंसीडर करते हैं, नेगेटिव में हम लोग वैल्यू नहीं लेते हैं। देखो ग्रुप इंडेक्स किसके किसके बीच लाई करता है, ग्रुप इंडेक्स लाई करता है 0 to 20। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 0 को भी कंसीडर करेंगे 20 को भी कंसीडर करेंगे। हाँ
इसका मतलब होता है ग्रुप इंडेक्स 0 से 20 के बीच लाइक करेगा। ग्रुप इंडेक्स वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज अ होल नंबर इन बिटवीन 0 to 20 एट हाईएस्ट साइड। ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू हम लोग हमेशा होल नंबर में लेते हैं बिटवीन 0 to 20। सपोज हम लोग ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू आता है 11.2, तो इसको कितना लेंगे हम लोग? 11। एट हाईएर साइड 12 सर। 12 लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं आगे पता चलेगा। देखो ग्रुप इंडेक्स वैल्यू, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू 0 to 2 लाइक करेगा, 0 to 2, तो उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं दिस इज गुड फॉर द पेमेंट कंस्ट्रक्शन। 2 to 5, फेयर। 5 to 10, पुअर। 10 to 20, वेरी पुअर। सर 2 आएगा तो किसमें कंसीडर करेंगे, गुड या फेयर में? रुको, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू 0 से 2, इसको गुड में कंसीडर करना, फिर 2 to 5, इसको फेयर में इसे कंसीडर करना। हाँ बताओ, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ज्यादा है तो वो अच्छा है कि खराब है? सॉइल कैसा है उसका नेचर? सर खराब है, ज्यादा वैल्यू आएगा तो। हाँ देखो, इसलिए हम लोग ग्रुप इंडेक्स वैल्यू हमेशा हाईएस्ट साइड इसीलिए कंसीडर करते हैं, उससे हम क्या हो, फायदा क्या है इससे, हम लोग सेफर साइड में रहेंगे। सॉइल सपोज 11.2 आ रहा है तो उसको हम लोग 12 कंसीडर कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग का सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग लेसर कंसीडर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सेफर साइड में रहेंगे, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, एक काम करो, ऊपर का वैल्यू लिख लो, फाइंड वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर गिवन सीव एनालिसिस, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब तो पूरा दिख रहा होगा, इसमें हमको निकालना है ग्रुप इंडेक्स।
सॉल्व कर रहे हो क्या? 21 आ रहा है सर। ग्रुप इंडेक्स 7.58। देखो हम पहले बता चुके हैं ग्रुप इंडेक्स वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगा, 0 to 20, वो हमेशा एक होल नंबर होगा बिटवीन 0 to 20। तो 7.58, 7.28 ऐसा कुछ वैल्यू नहीं होगा, 21 ये भी कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। जो भी वैल्यू होगा वो होल नंबर में होगा बिटवीन 0 to 20। सबसे पहले क्या किया तुम लोग? सबसे पहले सर ए बी सी डी का वैल्यू निकालें। उससे पहले परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन। ठीक है देखते हैं। किसी का वैल्यू होल नंबर में नहीं आ रहा है क्या बिटवीन 0 to 20 ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू? सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। ठीक है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करें परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन। सपोज इसको हम पी बोल देते हैं, पी दिस इज इक्वल टू परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? सर 360/600×100। 75 माइक्रोन से कितना सॉइल पास कर रहा है? यह है 360 ग्राम डिवाइड बाई टोटल सॉइल टेकन। टोटल सॉइल हम लोग लिए हैं 600 ग्राम × 100। कितना आ रहा है? 60%। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए बी सी डी। ए होगा परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी, दैट इज पी माइनस 35। कितना होगा? 60 - 35। कितना आ रहा? 25 सर। दिस इज नॉट ग्रेटर देन 40, ये ओके है। बी दिस इक्वल टू परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी माइनस 15। पी है 60 - 35, sorry, -15। ये कितना आ रहा है? 45। दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। तो कितना वैल्यू लेंगे हम लोग? 40 लेंगे। बी का वैल्यू हो जाएगा 40। सी सी इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज माइनस 40। लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज कितना दे रखा है हमको? 70% हो जाएगा। 70% माइनस 40 ये होगा 30। दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना? 20%। कितना वैल्यू लेंगे हम लोग? 20। सी इज इक्वल टू होगा 20। डी डी दिस इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स इन परसेंटेज माइनस 10। प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा है हम लोग कितना है? 15%। 15% माइनस 10 दिस इक्वल टू 5। दिस शुड नॉट बी ग्रेटर 20। ओके अब हम लोग कैलकुलेट करें ग्रुप इंडेक्स। दिस इज इक्वल टू 0.2A + 0.005AC
plus 0.01 BD. This is equal to 0.2. एक वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 plus 0.005 AC. A का वैल्यू 25, C का वैल्यू कितना है? 20 प्लस 0.01 BD. B का वैल्यू कितना है? 40 इंटू D. D का वैल्यू 5. कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है. कितना आ रहा है ये? सर 9.5. 9.5. तो हम लोग ग्रुप इंडेक्स वैल्यू कितना रिप्रेजेंट करेंगे? 10. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10. एक और 9 को रिप्रेजेंट करेंगे. क्या बोल रहे हो सर? 9 कब होगा? 9 पॉइंट अगर 4 रहता तो 9 होता क्या? नहीं, 9.4 भी रहता तो भी 10 होता. 9.05 भी रहेगा तो भी 10 होगा. जो भी डेसिमल के बाद कुछ भी आता है तो उसका हायर साइड डेसिमल. 9.00001 भी रहेगा तो भी 10 हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. जब 8 पॉइंट कुछ रहेगा सर तब 9 रिप्रेजेंट करेगा ना सर? हाँ, तब 9 रिप्रेजेंट करेंगे. एक और क्वेश्चन सॉल्व करो इस पे.
सर 16 सर 8 आ रहा कितना आ रहा है सर 8 8 16 सर 16 और किसी का कुछ आ रहा है क्या चलो ठीक है देखते हैं हमको दे रखा है परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन से इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे दिस इक्वल टू 67% हमको लिक्विड लिमिट दे रखा है 45% प्लास्टिक लिमिट दे रखा है 33% यहाँ से प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना हो जाएगा लिक्विड लिमिट गूगल हो जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट दिस इक्वल टू 45 माइनस 33 कितना आ रहा है 12 सर 12% अब हम लोग क्या करेंगे ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे दिस इज इक्वल टू 0.2a प्लस 0.005ac प्लस 0.01bd दिस इज इक्वल टू 0.2a एक जगह पे कितना हो जाएगा ओ सॉरी ये तो हम लोग निकाले ही नहीं ए दिस इक्वल टू परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी माइनस 35 पी हम लोग कैलकुलेट किए कितना है पी दिया हुआ है 67% 67 माइनस 35 ये कितना आ रहा है 32 दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 ओके है बी परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी माइनस 15 ये हो जाएगा 67 माइनस 15 67 माइनस 15 ये कितना आ रहा है 52 दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 सी इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज माइनस 40 लिक्विड लिमिट हमको दे रखा है कितना दे रखा है 45% 45 माइनस 40 दिस इक्वल टू 5 दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 ओके डी इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी इन परसेंटेज माइनस 10 प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमको दे रखा है 12% दिस इक्वल टू 12 माइनस 10 दिस इक्वल टू 2 दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 ओके अब हम लोग ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू 0.2a प्लस 0.005ac प्लस 0.01bd दिस इक्वल टू 0.2a ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 प्लस 0.005ac ए का वैल्यू 32 इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 0.01 इंटू बी का वैल्यू कितना है 40 इंटू डी का वैल्यू 2 ये कितना आ रहा है देखो सर 8 आएगा एग्जैक्टली 8 आ रहा है यस सर ओके ये मीटिंग एंड हो रहा है तो एक बार और ज्वाइन कर लेना ओके सर ओके